तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम ऐसे तीन टिप्स देखेंगे। अगर आप इस तीन टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों, आपकी लॉन्गजेविटी जल्दी बढ़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देखो। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि भाई किस तरह से स्पीड से आ रहा हो, किस तरह से टेकऑफ लगा रहा हो, हाइट कैसे जा रहा हो, लैंडिंग कैसे कर रहा हो। दोस्तों इस तरह से आपको जंप लगाने हैं। दोस्तों इसी के बारे में आपको दोस्तों ऐसे तीन टिप्स बताऊंगा जिसके वजह से आपकी लॉन्ग जंप अच्छे से जाएगी, फास्ट जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टिप्स नंबर वन की बात करते हैं। दोस्तों जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो, जब आप अप्रोच लेते हो, जब आप लॉन्ग जंप लगाने के लिए खड़े रहते हो, 30 मीटर पीछे जाते हो, 20 मीटर पीछे जाते हो, तब दोस्तों जब आप स्पीड से जाते हो तब टेक ऑफ बोर्ड तक जहाँ से आप जंप लगाते हो वहाँ तक आपको दोस्तों स्पीड से जाना है, मैक्सिमम स्पीड से जाना है। क्योंकि अगर स्पीड से जाओगे आप तभी आपकी लॉन्ग जंप अच्छी से जाएगी। अगर आप लो स्पीड से जाओगे तो आपकी लॉन्ग जंप अच्छी नहीं जाएगी। दोस्तों जहाँ से आप लॉन्ग जंप लगाते हो, जहाँ से आप भाग के आते हो, वहाँ से आपको टेक ऑफ बोर्ड तक जहाँ पर आप लॉन्ग जंप लगाते हैं वहाँ तक दोस्तों आपको स्पीड से आना है। वहाँ तक दोस्तों आपको स्पीड से ही आना है, आपको स्पीड बिल्कुल कम नहीं करना। अगर आप स्पीड कम करोगे तो आपकी लॉन्ग जंप कम जाएगी, इसलिए आपको दोस्तों स्पीड से जाना है। और आपको दोस्तों हफ्ते में एक बार सिर्फ आपको अप्रोच लगाना है, मतलब जहाँ तक टेक ऑफ बोर्ड है वहाँ तक आपको 7 या 8 रेपिटेशन लगाने हैं। मतलब 7 या 8 पर आपको वहाँ पर स्पीड से जाना है। उस टेक ऑफ बोर्ड पर आपका पैर जरूर आएगा। और आपको अप्रोच कैसे लाना है, किस तरह से वहाँ पर आपका पैर आना चाहिए, इसकी वीडियो मैंने बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। और आपको दोस्तों स्पीड बनाने के लिए आपको दोस्तों 20 या 30 मीटर के रेपिटेशन लगाने चाहिए। लॉन्ग जंप में स्पीड चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको 30 मीटर के आप 4 या 5 रेपिटेशन जरूर लगाओ, उसकी वजह से आपका लॉन्ग जंप अच्छी जाएगी। मतलब आपको दोस्तों स्पीड लगाना है तभी आप लॉन्ग जंप अच्छे से क्लियर पाओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। दोस्तों जब आप स्पीड से आ जाते हो, टेक ऑफ बोर्ड पर आते हो, वहाँ से दोस्तों आप जब जंप लगाते हो तब वहाँ पर दोस्तों आपको हाइट लगानी है। जब आपका टेक ऑफ बोर्ड पर जब आप पैर रखते हैं वहाँ से आपको ऊपर हाइट की तरफ जाना है, जितना हो सके आपको हाइट की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको कोई हर्डल जंप लगा सकते हो, नहीं तो आपको दोस्तों 2 स्टेप पर 4 स्टेप पर आपको क्या करना है, सिर्फ स्पीड लगाना है। और स्पीड से आने के बाद आपको हाइट लगानी है, सिर्फ हाइट की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए दोस्तों मैं आज कुछ 1-2-4 एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, उसको आप फॉलो करना, आपकी हाइट अच्छी जाएगी। दोस्तों हाइट जाने के लिए और लॉन्ग जंप अच्छी लगाने के लिए, अच्छी जाने के लिए आप इस तरह से एक्सरसाइज करना, आपको इस तरह से बाउंड्री करके आना है और इस तरह से आपको जंप लगानी है। ऐसे आप दोनों पैरों के सेट करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पर हाई नहीं करके आएंगे और आपको घुटना दोस्तों ऊपर उठाना है। और इस तरह से आने के बाद आपको टेक ऑफ बोर्ड पर पैर रखने के बाद आपको जल्दी से बॉडी अप उठाना है। ये दो एक्सरसाइज दोस्तों आप हफ्ते में 2 बार करो, आपकी लॉन्ग जंप जल्दी बढ़ेगी और हाइट भी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स की बात करते हैं। दोस्तों जब आप लैंडिंग करते हैं, लॉन्ग जंप लगाने के बाद हाइट जाती है, फिर उसके बाद लैंडिंग का समय आता है, लैंडिंग करते वक्त आपको दोस्तों क्या करना है, आपके जो दोनों पैर हैं वो आपको आगे तरफ ले जाने हैं। मतलब आपको दोनों पैरों को ओप करना है और आगे तरफ हाथों को इस तरह से स्विंग करके आगे तरफ ले जाना है, जिसकी वजह से आपका डिस्टेंस अच्छा बढ़ता है। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको 2 स्टेप पर 4 स्टेप्स पर इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जंप लगानी चाहिए। और उसके लिए और ही एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके लिए आपको ब्रॉड जंप लगानी चाहिए। आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लगाओ लॉन्ग जंप में, तब आप इस तरह से लैंडिंग अच्छे करवाओगे। दोस्तों इस तरह से आप इस तीन टिप्स को अच्छे से फॉलो करो, आपकी लॉन्ग जंप अच्छे से जाएगी और जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।